इसका ये टाइटल क्यों दिता गया, घट समय विच टेस्ट ली बेहतर तैयारी किवें करिए, क्योंकि पीटेट की जो डेट आई है 24 तरीक नूं, अगले महीने पेपर है, 30 दिन तुहाडे को बचते हैं, समा बहुत थोड़ा है, तुसी फॉर्म फिल करना है, कुछ परसनल रजेवे होंगे हैं, सो मेरे ख्याल तुहाडे कोल 20 या 25 दिन बचणगे। दूसरा ये क्यों लिखा गया कि तुहाडे कोल जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, सिलेबस के 5 भाग किए गए हैं, हर भाग के 30 मार्क्स हैं, टोटल 150 मार्क्स का हैं, ये हो सकता है कि किसी भाग विच तुसी वधेरे डिफिकल्टी फील करते हो, किसी विच कंफर्टेबल हो जा आसान लगे, तो यह निर्भर करेगा कि तुहाडे इंडिविजुअल डिफरेंस ते की कैपेबिलिटी है। दूजा कि तुसी पहला पेपर भरिया है कि दूसरा पेपर भरिया है, जो दोनों पेपर भरे हैं, पहला पेपर जो है वह 1 तो 5वीं जमात तक लई है, उसकी जो पेपर होंगे वो इस तरह होंगे, और जो 8वीं जमात तक 5वीं तो 8वीं तक है वो पेपर दूजा होएगा, उस विच थोड़ा जा लास्ट वाले मैथ साइंस सोशल साइंस इधर विच फर्क होएगा, उधर विच एनवायरनमेंट का पेपर होएगा, इधर विच जो है साइंस स्ट्रीम का ते सोशल साइंस स्ट्रीम का पेपर होएगा, जिहड़ी स्ट्रीम तुहाडी होएगी बीएड वाले दी, ठीक। तो पेपर जदों असीं सिलेबस नूं देखदे हां तां उदों सानूं लगेगा कि किन्ना घट समां है, इस तरफ सिलेबस देखदे हां, सिलेबस नूं अगर सरसरी झाती मारदे हां, इह पिछला सिलेबस है, लगभग यही सिलेबस चल रहा है, ईवन सी टट दा वी इहदे नाल ही मैच कर रहा है। तुसी जो इतना सिलेबस है घट है, तुसी की करना है, इसलिए एक स्ट्रैटेजी, जे मान लो 20 या 25 दिन तुहाडे को बचते हैं, 20 या 25 दिन विच सब तो पहला स्टेप तुसी की करना है, सिलेबस नूं प्रिंट करना है, स्ट्रैटेजी 1 जिहड़ी मैं दस रहा है इस वीडियो विच, इस नूं प्रिंट आउट करके इस नूं एक एक कंसैप्ट नूं रीड करना है। मैं ये दस रहा हाँ, जदों तुसी सिलेबस के कंसैप्ट पढ़े होंदे हन ता एक दो अप्रोचेज है गैस दियां, जेदे विच जे तुसी सिलेबस पढ़िया है ते घट घट घटो घट 150 दे विचों 3 या 4 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन सिर्फ इस रीडिंग नाल ही पता लग जाता है कि इहदा आंसर जेंडर होवेगा, इहदा आंसर ये वाला होएगा, वो यूनिट दी कॉम्बीनेशन दे आधार पे है, वो मैं वक्रे तौर पे तुहानू दसांगा कि किवें तुसी इना इंटेलेक्चुअल या रैंडम गैस स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करना है। जो मैं तैयारी करवावांगा नाल नाल ही उन्हां दी इनू मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच इसनू कहंदे हन, नाल नाल ही तैयारी करदे करदे की स्ट्रैटेजी किवें वरतनियां हन, तुहानू कंप्लीट क्वेश्चन आंदा है, इनफॉर्मेशन नू यूज किद्दां करना है, जेकर वो अद्धा क्वेश्चन तुहानू आंदा है, दोवां विचों एक किद्दां लभणा है, तिन्नां विचों एक किद्दां लभणा है, चारां विचों एक किद्दां लभणा है, औखा क्वेश्चन है उसनू रीड किद्दां करना है, औखे क्वेश्चनां नाल डीलिंग वालियां स्ट्रैटेजीज़ वक्खरियां होंदियां, सौखे नाल वक्खरियां होंदियां, ओवरऑल पेपर करदे होए किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है, सारा कुछ नाल नाल दस्सिया जाएगा। ये 20-25 दिन दे विच मैं जिन्ना कुछ करवा सकदा हाँ वो जरूर करवावांगा, पर यह स्ट्रैटेजी तुहानू हर हालत फोकस करनी पैणी है। स्ट्रैटेजी की है, फर्स्ट नंबर एक कि तुहानू यह सारा जो सिलेबस है वो रीड करना पवेगा। रीड क्यों करना है, इसनू ये कलर कर लीए रेड वाला कर लेते हैं, तुसी तीन ई फॉर ईजी, एम फॉर मॉडरेट, डी फॉर डिफिकल्ट, आसान औसत ते मेरे लिए जो औखा है, तीन तरह दियां कैटेगरियां कंसैप्ट इन्हां विचों लभणे हन तुसी। ये वाला कलर कर लैंदे आ, मन लो ईजीली तुसी कोई निशान नहीं लगा रहे, तुसी मन लो मैनू लगा है कि चाइल्ड सेंटर मैनू प्रोग्रेसिव एजुकेशन मैं मिडल विच रखी है कि मैनू उहदे लई मैं अंडरलाइन वरत ली, मिडल वाले लई अंडरलाइन, और डी वाले लई मैं सर्कल वरत लिया है, और जो आसान मेरे लिए टॉपिक है वो मैं खाली छड़ रहा हाँ, सारा सिलेबस पढ़ते हुए क्रिटिकल परस्पेक्टिव इंटेलिजेंस इनू मैं छड़ रहा हाँ, मल्टी इनू मैं छड़ रहा हाँ, लैंग्वेज एंड थॉट नू मैं अंडरलाइन कर रहा हाँ, कंसैप्ट डिवेलपमेंट एंड इस रिलेशन नू छड़ रहा हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट मैनू सौखा लगता है, ये भी सौखा लगता है, सोशलाइजेशन प्रोसैस नू मैं अंडरलाइन कर लिया है, अच्छा प्याजे मैनू औखा लगता है, कोलबर्ग मैनू औखा, मैनू जो लगता है वो हर एक नू वखरा लगता हो सकता है,
मैं इन्हां ते सर्कल इसलिए ला रहा कि ज्यादातर विद्यार्थियों ये औखा लगता है जेडे तुहानूं इन्हां दे विच्चों सारे कंसैप्ट जेडे कंसैप्ट हन थीम्स हन उन्हां चों आसान लगते हैं औसत लगते हैं बहुत औखे लगते हैं ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੌਖਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਅਪਰੋਚ, ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੀ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹਨ, ਠੀਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ ਰੰਗ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ आसान है, मैं इसनों खाली छड़ता और यह सॉल्व कर लिया, पिछे देख लिया कि मेरा आंसर ठीक है। शुरू विच तुसी देखना है, हजे तुसी सेल्फ असैसमेंट कर रहे हो, पहला स्टेप एक या दो दिन भी इसनों लग सकते हैं, कोई गल नहीं। तुसी अगला क्वेश्चन आ गया, तुहानूं लगा कि यह क्वेश्चन जिहड़ा है यह मैनूं आंदा सी लेकिन औखा लगा, मतलब मैनूं मैं यह तक पहुंच गया कि मैनूं यह दो इन्हां दे विच आंसर है, यह पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, मतलब तुसी मध्य विच आ रहे हो। इसनूं तुसी अंडरलाइन इस तरह अंडरलाइन कर लिया कि मध्य विच आ रहा है। इसे तरह जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं मान लो बहुत औखा लगा उसनूं तुसी निशान लगा लेना है, सर्कल कर लेना है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਪਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਗ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹਨ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨਾਲ 20-25 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।